भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ऐसे रोबोट बनाए गए हैं जो फुटबॉल भी खेल रहे हैं और तैराकी भी कर रहे हैं। दरअसल इंजीनियरिंग कॉलेज के इस रोज रोबोटिक क्लब ने अलग अलग तरह के कई रोबोट बनाए हैं, जिसमें रोबो सॉकर, एक्वा रोबोट, रोबो हर्डल और दूसरे रोबोट हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूँ खुशबू झा। यहाँ दो रोबो सॉकर आपस में प्रतिद्वंदी बनकर फुटबॉल खेल रहे हैं तो कुछ एक्वा रोबोट्स पानी में तैराकी करते हुए पानी की गंदगियों को छानकर बाहर निकाल रहे हैं, तो वही रोबो हर्डल अपने सामने आने वाली तमाम बाधाओं को पार करते हुए टारगेट तक पहुंचने में लगे हैं। फिलहाल तो इन रोबोट्स को कॉलेज के प्रोजेक्ट के तहत मनोरंजन के लिए तैयार किया गया है, लेकिन आगे इसे बड़े स्तर पर बनाकर इसका इस्तेमाल सामान्य जीवन में भी किया जा सकता है। रोबोट जो फुटबॉल खेल रहा है, इस रोबोट सॉकर फुटबॉल खेलना, ये तो एक बस एंटरटेनमेंट के लिए है। हम लोग ये रोबोट को बनाए हैं, जो काम हम लोग रियल लाइफ में फुटबॉल खेलकर करते हैं, वैसे ही यहाँ पे दो रोबोट एक दूसरे के अपोनेंट में रहते हैं, वो एक दूसरे के अपोनेंट का गोल पोस्ट में जाकर गोल करते हैं, और ये हम लोग एंटरटेन के लिए बनाए हुए हैं। इसे हाई लेवल पे भी कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और बहुत जगह किया भी जाता है, NIT IIT समेत, तो वहाँ पे भी हम लोग पार्टिसिपेट किए हैं और बहुत जगह जीते भी हैं, तैराकी भी कर रहे हैं। हाँ, रोबोट तैराकी का मेन पर्पस जो है वो हमारा है, किसी भी नदी में यदि कोई गंदगी है तो उसको साफ करने के लिए यदि ह्यूमन उसमें जाता है तो डूबने का डर, या ये भी हो सकता है कि वहाँ पे केमिकल्स जो रहते हैं उससे कोई इन्फेक्शन या किसी भी तरह की हानि होती है, तो उसके लिए हम लोग इस रोबोट का यूज करके और हम लोग उसे आराम से फिल्टर कर सकते हैं, जितने भी गंदगी है उसे हम निकाल सकते हैं, तो ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट में भी ये हमें फायदा दे सकता है। तैयार किया है LFR, तैयार किया है एक्वाबोर्ड, तैयार किया है आपने देखा अभी रॉबर्स रोबो सॉकर तैयार किया है। जनरली रोबो सॉकर अगर हम बात करें तो रोबो सॉकर बनाने के पीछे हमारा मकसद मनोरंजन ही है, जहाँ हम लोग इंसान फुटबॉल खेलता है वैसे एक मशीन भी फुटबॉल खेल सकता है वो दिखाने के लिए। अगर बात करें एक्वाबोट की, एक्वाबोट जनरली सर बनाया गया है ऑन अ लार्ज स्केल, बनाया गया है कि जहाँ ह्यूमन ना पहुँच सके वहाँ मशीन कैसे काम करे, जैसे क्लीनिंग पर्पसेस के लिए से नमामि गंगे की बात हुई, वहाँ हर जगह पॉसिबल नहीं है कि हम हर जगह इंसान की ही जान खतरे में डालें, हर जगह ह्यूमन एफर्ट्स ही लगाएं, तो वहाँ मशीनली एफर्ट्स बनाने के लिए हमने एक्वाबोट की बात किया है। LFR अगर बात करें तो सर LFR सबसे पहला एक बेसिक रोबोट है, जैसे एक छोटा बच्चा बड़ा होता है वैसे एक छोटा बच्चा हमारा LFR ही है, आप समझ लो LFR बड़ा होकर आप एडवांस रोबो बनाते हो। तो जब भी अगर रोबोट की बात करो, कोई सबसे बेसिक रोबोट कोई बनाता है तो वह है LFR, वहीं से आगे चल के वो बड़े बड़े रोबोट्स और टेक्नोलॉजीज में आगे बढ़ता है, बड़े रोबोट बनाए जाएंगे क्या? जी जी होगा, बिल्कुल सर। जैसे एक छोटा बच्चा, मैंने कहा ना एक छोटा बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहले छोटा होता है ना, तो अगर एक बार में हम इतने एडवांस रोबो तो बना नहीं सकते हैं, तो पहले सिखाया जाता है, तो बेसिक से सबसे पहला बेसिक रोबो ही LFR है। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का इस रोज रोबोटिक क्लब कई जगहों पर अपना लोहा मनवा चुका है। छात्रों की माने तो वो सभी साल 2016 से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। साल 2018 में जमशेदपुर NIT में इस क्लब ने विजेता का खिताब हासिल किया था। पिछले साल 2023 में MIT मुजफ्फरपुर में रोबो वॉर और रोबो सॉकर में क्लब चैंपियन रहा था। इसके अलावा कई विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग कॉलेज में क्लब ने अपने प्रदर्शन से खूब वाहवाही बटोरी है।